वेलकम फ्रेंड, मैं मंतोष और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मंतोष दमे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपने राशन कार्ड में नए मेंबर के लिए अप्लाई किया है, अगर आपने राशन कार्ड में नए फैमिली मेंबर को जोड़ने के लिए अप्लाई किया है तो आप उसका स्टेटस को किस तरह से चेक कीजिएगा कि अभी तक आपका जो राशन कार्ड में नए मेंबर ऐड हुआ है या नहीं हुआ, इसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम लोग ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। ब्राउजर को ओपन कर लेने के बाद आपको यहां पर सर्च बार में टाइप कर देना है ERCMS, आपको ERCMS राशन कार्ड लॉगिंग, ये लिख लेने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है ERCMS राशन कार्ड लॉगिंग, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको फिलअप करने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका राशन कार्ड का नंबर, आपको यहाँ पे राशन कार्ड नंबर फिल कर देना है। उसके बाद कार्ड टाइप, आपका कार्ड कौन से प्रकार का है, अगर आपका ग्रीन राशन कार्ड है तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, अगर आपका कार्ड पीएच है या AAY या व्हाइट कार्ड है तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे आपका जो हेड ऑफ फैमिली है, मतलब आपके राशन कार्ड का जो मुखिया है, उस के जो आधार का लास्ट का जो 8 डिजिट नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे फिल करने होंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा कोड देखने के लिए मिल रहा है, ये कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल कर देना है और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम लोग इस इंफॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना राशन कार्ड नंबर, कार्ड का प्रकार और जो मुखिया का आधार कार्ड का लास्ट 8 डिजिट नंबर है वो फिल कर दिया, उसके बाद कैप्चा कोड को फिल कर दिया। अब आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाइएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे परिवार के सदस्य को जोड़ना, डीलर बदलना, मोबाइल नंबर में सुधार या परिवर्तन। उसी तरह यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है आवेदन स्थिति। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये आवेदन स्थिति वाले ऑप्शन को टच करना है। यहाँ पे आप जैसे ही टच करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है सिलेक्ट एक्टिविटी, तो यहाँ पे आपको टच करना है। यहाँ पे आप जैसे ही टच करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है एड न्यू फैमिली मेंबर, अगर आप अपने फैमिली मेंबर को जोड़े हैं तो उसका स्टेटस चेक करना है तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम लोग इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जो सर्च का बटन दिख रहा है ये सर्च वाले बटन पे आपको टच करना है। यहाँ पे आप जैसे ही टच करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह का देखने के लिए मिल जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसके बाद राशन कार्ड का नंबर जो कि मुखिया का है, मुखिया विवरण यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आपका जो मुखिया का नाम है उसका यहाँ पे नाम देखने के लिए मिल जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट विलेज। उसी तरह आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको लिखा हुआ दिख रहा है न्यू मेंबर डिटेल, तो आपने जिस मेंबर को एड किया उसका डिटेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है, जैसे कि उसका नाम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है, उसका फादर का नाम, उसके बाद जेंडर, उसके बाद रिलेशन विथ हेड ऑफ फैमिली, फैमिली से क्या रिलेशन है वो देखने के लिए मिल जा रहा है, उसके बाद न्यू मेंबर का जो आधार नंबर है वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। उसी तरह आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और करना है, करने के बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है आवेदन की स्थिति, मतलब आपका जो स्टेटस है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका जो स्टेटस है वो अप्रूव्ड हो चुका है, जो DSO होता है वो DSO से अप्रूव्ड हो चुका है और आपका जो मेंबर जो है ऐड है वो राशन कार्ड में हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आपने अपना जो राशन कार्ड में नए फैमिली मेंबर को ऐड करने के लिए
आवेदन किया है मतलब एप्लीकेशन दिया है तो आप इसका स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।